पिछले साल देश की संसद में तमाम विरोध और हंगामों के बीच महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था, लेकिन 8 महीने बाद भी ये अभी तक कानून का रूप नहीं ले पाया है। अगर देश के राजनीतिक दल चाहते तो सही तरीके से टिकट बंटवारा करके देश की आधी आबादी को परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव दे सकते थे और भविष्य के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आलम यह है कि नारी उत्थान के तमाम बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनावी टिकट देकर बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी ने बाजी मार ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हुआ जातिगत जनगणना का सर्वे तो याद होगा आपको। उस सर्वे के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जबरदस्त सियासी घमासान शुरू हो गया था। अब एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले शोर मचाते रहे कि हमारी सरकार बनी तो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इसके उलट जातिगत जनगणना का विरोध करती रही। बिहारी बाबू नीतीश कुमार तो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं, लेकिन विपक्षी महागठबंधन अब भी अपनी मांग पर अड़ा है। खैर, जातिगत जनगणना पर छिड़े इस महासंग्राम के बाद देश में पहला बड़ा चुनाव हो रहा है और इस लोकसभा चुनाव में हर सियासी दल के पास मौका था कि वो हर जाति और समुदाय के लोगों को आगे लाएं और आबादी के हिसाब से टिकट का बंटवारा करें, मगर ऐसा भी हो न सका। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल दावा करते हैं कि इससे हर जाति और वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। विपक्षी दल एक नारा भी लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पिछले साल 2 अक्टूबर को बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। उस वक्त राज्य में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट की गठबंधन वाली सरकार थी। अब नीतीश बाबू महागठबंधन से तो अलग हो गए, लेकिन जातिगत सर्वे कराने का क्रेडिट खुद को देते नजर आते हैं। लेकिन लालू की पार्टी आरजेडी कहती है कि ये चाचा का नहीं भतीजे का काम है, मतलब इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। बिहार विधानसभा में तब बीजेपी ने भी राज्य में जातिगत सर्वे कराने के मुद्दे पर नीतीश सरकार का समर्थन किया था, लेकिन मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव के वक्त कोई जानना ही नहीं चाहता कि जातिगत सर्वे किस चिड़िया का नाम है। बिहार में इस वक्त जो चुनावी समीकरण है उसमें मुख्य रूप से 2 गठबंधनों के बीच महामुकाबला माना जा रहा है। इसमें एक तरफ है बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान की, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की टीम है, जिसमें लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम जैसी पार्टियां शामिल हैं। अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो इनमें से ज्यादातर दलों ने बिहार में अपने हिस्से की लोकसभा सीट पर उम्मीदवार तय करके चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तो बिहार के चुनावी हालात पर बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद बताते हैं कि टिकट बंटवारे में महिला या मुसलमान या किसी की जाति फैक्टर नहीं देखा जाता। टिकट दिए जाने वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना देखी जाती है और ये फॉर्मूला सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होता है। सुरूर अहमद एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि बीजेपी ने गुजरात में साल 2019 में 5 लाख वोट से चुनाव जीतने वाली 2 महिलाओं के टिकट काट दिए। इनमें एक हैं सूरत की दर्शना जरदोश, जिनकी जगह मुकेश दलाल को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी हैं वडोदरा सीट से पिछली बार 6 लाख वोटों से जीतने वाली रंजन बेन भट्ट। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर हेमांग जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। कुछ इसी तरह का खेल यूपी में इंडिया गठबंधन ने किया है। इन्होंने कुर्मी समाज से आने वाले 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 5 यादव और 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। यूपी में MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर हमेशा से काम करता आया है, क्योंकि यूपी में इनकी कुल आबादी करीब 30% मानी जाती है। अब ऐसे ही कुछ जातिगत समीकरण बिहार में लालू यादव ने भी बिठाने की कोशिश की है। सुरूर अहमद की माने तो जीत की संभावना को देखते हुए ही लालू ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी वजह से ही कोयरी यानी कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट बंटवारे में बड़ा फायदा हुआ है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मिलाकर 16 यादवों को टिकट दिया है, जबकि 11 टिकट अकेले कोयरी समाज के लोगों को दिया गया है। बिहार की जनगणना सर्वे के मुताबिक राज्य में यादवों की आबादी करीब 14% है, जबकि कोयरी आबादी करीब 4.2% है।
बिहार की कुल आबादी में धर्म के नाम पर हिंदुओं की आबादी 81.9% है, मुस्लिम आबादी 17.7% है, जबकि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म की आबादी मुश्किल से 1% है। राजनीतिक जानकारों की माने तो टिकट बंटवारे में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट आसान नहीं होता, खासतौर पर छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। इससे इनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। चुनाव के समय ये रिस्की फैसला हो सकता है। हाँ, बीजेपी जैसी बड़ी और संगठन के तौर पर मजबूत पार्टी ऐसे बड़े फैसले ले सकती है। वो अपनी मर्जी से किसी का भी टिकट काट सकती है और किसी को भी टिकट दे सकती है। अब अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ सबसे ज्यादा सीटों पर विपक्षी गठबंधन की प्रमुख पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ रही है। पार्टी कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। वहीं सीटों की साझेदारी में चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने भी 9 सीटों में से 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही एनडीए ने बिहार में सिर्फ 1 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। दरअसल बिहार में किशनगंज की सीट पर मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इसी वजह से जेडीयू ने यहां से इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार मुजाहिद आलम को चुनाव मैदान में उतारा है। एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। जबकि 2019 के चुनाव में एलजेपी ने खगड़िया सीट से महबूब अली कैसर को चुनाव मैदान में उतारा था, जो उस वक्त चुनाव जीते भी थे। लंबे समय से पसमांदा मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर कहते हैं कि बीजेपी वाले मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, इसलिए मुस्लिम भी बीजेपी को वोट नहीं देते। जबकि पीएम मोदी खुद कई मर्तबा पसमांदा मुसलमानों का मुद्दा उठा चुके हैं। उनका मानना है कि फिलहाल मुद्दा सांप्रदायिक सद्भाव, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है, इसलिए बाकी के तमाम मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, लेकिन उसने अपने कोटे की 17 में से 10 सीटों पर अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें 5 राजपूत, 2 भूमिहार, 2 ब्राह्मण, 1 कायस्थ शामिल है। बीजेपी की इस लिस्ट की एक और खास बात है और वो ये कि उसने बिहार में एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो टिकट बंटवारे के वक्त छोटे दलों के सामने चुनावी खर्च काफी बड़ा मुद्दा होता है। छोटी पार्टियां ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना बेहतर समझती हैं जो खुद अपना चुनावी खर्चा उठा सके और अगर मौका पड़े तो दूसरे उम्मीदवारों की भी मदद कर सके। इस लिहाज से भी बीजेपी जैसी बड़ी और अमीर पार्टी अपने मर्जी से टिकट बांट सकती है, लेकिन छोटी पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती। अब बात महिला उम्मीदवारों की, जहां इस बार बीजेपी ने बिहार में एक भी महिला को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है, तो वहीं महिलाओं को अवसर देने के मामले में लालू की पार्टी आरजेडी ने बाजी मार ली है। आरजेडी ने इस बार कुल 6 महिला उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दिया है, हालांकि उन 6 में से पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती और सारण सीट से खड़ी होने वाली रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की ही बेटियां हैं। इसके अलावा आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती, जमुई से अर्चना रविदास, मुंगेर से अनिता देवी और शिवहर से ऋतु जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने खास सीटों से महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारकर दांव तो शानदार खेला है, लेकिन मोदी और नीतीश की जोड़ी के सामने ये कितना कारगर बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल किस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।